नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के खार और गोरेगांव के बीच पश्चिम रेलवे की छठी लाइन के निर्माण कार्य के चलते 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रहेगा मेगा ब्लॉक। 2322 लोकल सेवाएं हुई रद्द। 11 दिनों तक यात्रियों को लोकल में भीड़भाड़ का करना पड़ सकता है सामना। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में नासिक पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने किया एमटी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। करोड़ों रुपए की ड्रग्स और कच्चा माल जब्त। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन का आज है चौथा दिन। भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारांगे की तबीयत बिगड़ी, इलाज करवाने से किया इनकार। पश्चिम रेलवे लाइन पर मेगा ब्लॉक के चलते करीब 250 से अधिक लोकल ट्रेन रद्द। लोकल ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़। मुंबई के अंधेरी पूर्व पश्चिम और जोगेश्वरी सहित गोरेगांव के कुछ इलाकों में 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक पानी की आपूर्ति रहेगी बंद। पानी की पाइपलाइन जोड़ने और स्ट्रक्चरल ऑडिट का काम हुआ शुरू। महाराष्ट्र की राजनीति में मची एक बार फिर खलबली। बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स यानी ट्विटर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का 4 साल पुरानी वीडियो किया पोस्ट। मुंबई में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। बीएमसी ने खुले में कचरा जलाने पर लगाया प्रतिबंध। कई निर्माण स्थलों को बीएमसी ने भेजा नोटिस। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर महीने के लिए बैंक छुट्टियों की जारी कर दी है लिस्ट, जिसके अनुसार कई त्योहारों और नियमित वीकेंड छुट्टियों के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बैंक नवंबर महीने में रहेंगे कुल 15 दिनों तक बंद। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के क्लोथिंग ब्रांड बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग और फेयर ट्रेड के बीच हुई साझेदारी। कहा 25,000 कपास उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगा इससे लाभ। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी को एक बार फिर से मिली जान से मारने की धमकी। ईमेल कर की 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग। कहा पैसे नहीं देने पर जान से धोना पड़ेगा हाथ। मामले की जांच में जुटी मुंबई पुलिस। मुंबई की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए YouTube पर इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।